प्यारे बच्चों, आपके हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में गद्य खंड में आपका जो कोविड-19 की समस्या के चलते पाठ्यक्रम कम किया गया है, उसके अनुसार पाठ 2 जयनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया भाग्य और पुरुषार्थ और पाठ 3 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा गया रॉबर्ट नर्सिंग होम में दोनों ही पाठ पाठ्यक्रम के बाहर कर दिए गए हैं। उसके बाद का आपका जो पाठ है वह है अशोक के फूल, जिसके रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आपको इसके पूर्व की कक्षा में लिखित नोट्स के रूप में भेजा गया था और आप लोगों को उसका नोट्स अपनी कॉपी में उतारने के लिए भी कहा गया था। आज हम लोग द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए अशोक के फूल निबंध का कुछ अंश इस कक्षा के माध्यम से सुनेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए अशोक के फूल, और उसके बाद ध्यान से इसको देखिए, सुनिए और समझिए। इस पाठ में द्विवेदी जी ने अशोक के पुष्प के संबंध में चर्चा की है। अशोक का पुष्प प्राचीन मान्यता के अनुसार सुंदरता के देवता कामदेव उनके पंच पुष्प बाणों में अशोक को भी स्थान दिया गया था, किंतु कालांतर में अशोक का यह पुष्प साहित्य के क्षेत्र से बाहर होता चला गया और यहां तक कि लोग अशोक वृक्ष से अनभिज्ञ हो गए, उसके वास्तविक स्वरूप को ही भूल गए, और यहां तक कि मैदानी भाग में एक ऐसे वृक्ष को अशोक वृक्ष की संज्ञा प्रदान कर दी गई जिसमें कभी पुष्प लगता ही नहीं। तो इस बात से लेखक को बड़ी वेदना हुई है और अशोक के खिले हुए पुष्पों को देखकर उसने अपने भाव और विचारों को इस निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किया। पाठ को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। अशोक में फिर फूल आ गए हैं, इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तवकों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुड़ीर में स्थान देने योग्य समझा था, एक यह अशोक ही है। अशोक के खिले हुए फूलों को लेखक ने देखा है और ये फूल चूंकि गुच्छे में खिलता है, स्तवक माने गुच्छा, तो उस पुष्पों के गुच्छे को देख करके उसके मन में बड़ा ही मोहक भाव उत्पन्न हो रहा है, बहुत ही आकर्षित है उसके सौंदर्य से, उन गुच्छों में खिले हुए लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्वरूप को देख करके। और फिर वो सोचता है, विवेचना करता है, द्विवेदी जी अपने मन में सोच रहे हैं कि कंदर्प देवता यानी कामदेवता, कंदर्प देवता कामदेवता को कहते हैं, कि बहुत सारे मनोहर मनोहर पुष्प, लाखों मनोहर पुष्प हैं इस सृष्टि में, संसार में, किंतु उन सबको छोड़ करके उन 5 को ही अपने तुड़ी माने तरकश में स्थान देने के योग्य समझा था। तो जिन 5 पुष्पों को उन्होंने स्थान देने योग्य समझा था उनमें से एक अशोक भी है, और वही अशोक है जिसके ये खिले हुए लाल लाल छोटे छोटे सुंदर मनोहर पुष्प लेखक को दिखाई दिए। आगे देखिए, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने मुझे कोई विशेष रस मिलता है, उस लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं, मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है, असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा
मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। तो लेकिन आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अशोक को देख करके मेरा मन जो है उदास हो जा रहा है, थोड़ा उदास हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं। कारण बताते हैं कि ऐसा नहीं कि सुंदर वस्तु को देखने से मुझे जो है उदासी होती है। ऐसा तो वे लोग करते हैं जो स्वयं को बड़ा दूरदर्शी, एक प्रकार का व्यंग उन्होंने किया है कि जो स्वयं को बड़ा दूरदर्शी मानते हैं कि जो भी सामने पड़ गया उसके भीतर कुछ न कुछ आलोचना यानी कुछ न कुछ कमी उसके भीतर निकालते हैं, उसके दोष को देखते हैं, उसके गुण को नहीं देखते हैं। लेकिन मैं इतना दूरदर्शी नहीं हूँ, लेखक अपने लिए कहता है कि मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती है। मैं इस फूल को देख के क्यों उदास होता हूँ, इसका जो वास्तविक कारण है वे मेरे अंतर्यामी निखंड परमात्मा ही जो है समझ सकते होंगे, लेकिन थोड़ा सा जो अनुमान है उसके संबंध में वो बता रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं अगले अवतरण में देखिए। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमारी का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहा था। कहते हैं भारतीय साहित्य में इस पुष्प का यानी अशोक के पुष्प का जो प्रवेश हुआ, क्योंकि साहित्य के माध्यम से चीजों को बड़ा महत्व मिलता है, कोई चाहे पुष्प हो चाहे कोई अन्य फल हो या कुछ भी हो, कहीं का प्राकृतिक वातावरण हो, साहित्य के माध्यम से उसको एक विशेष स्थान प्राप्त होता है, एक विशेष श्रेणी मिलती है। तो अशोक के पुष्प का कैसे जो है प्रवेश हुआ और फिर कैसे वो निकल भी गया, ये दोनों ही बड़े नाटकीय ढंग से हुआ है। क्योंकि सबसे पहले कालिदास ने अपने साहित्य में बड़ी ही महत्व के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ इस पुष्प को प्रवेश कराया था। उसी के संबंध में लेखक ने कहा है कि जिस शोभा और सौकुमारी यानी जो सुंदरता, जो सुकुमारता, जो सौंदर्य और सुकुमारता की जो गरिमा कालिदास ने इस पुष्प को प्रदान की थी वह कालिदास के साहित्य के पूर्व कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता और सुकुमारता। तो इतनी विशेषताएं बताई द्विवेदी जी ने कि कालिदास ने जिस प्रकार से अशोक के पुष्प को प्रवेश कराया अपने साहित्य में, ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई नववधु, नई नवेली बहू, नई नवेली दुल्हन घर में प्रवेश करती है तो उसके प्रवेश करते समय एक प्रकार की विशेष सुंदरता होती है, एक गरिमा होती है, पवित्रता का भाव होता है, सुकुमारता यानी लज्जा भी होती है, एक कोमलता भी होती है। तो वही स्थिति जो है अशोक के भी प्रवेश की कालिदास के साहित्य में थी। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का। तो फिर बाद में जब मुगलों का साम्राज्य आया तो उस समय मनोहर पुष्प, ये सुंदर पुष्प साहित्य के सिंहासन से उतर गया। इसका नाम लोग बाद में लेते थे लेकिन वह सम्मान और वह जो एक सुमारता थी, एक सौंदर्य था, उस प्रकार का कोई भाव शेष नहीं लग गया था। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। कालिदास ने, बड़े महान कवि थे संस्कृत के, उन्होंने अशोक के पुष्प को बहुत अधिक सम्मान दिया था, वह अपने आप में अद्वितीय था। सुंदरियों के असिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को सगुना बढ़ा देता था। क्योंकि कालिदास के साहित्य में क्या दिखाई दिया था कि अशोक के पुष्प के संबंध में मान्यता थी कि जब कोई सुंदरी उसे अपने नूपुर से स्पर्श करती है, उस चरण के मृदुल आघात से, नूपुर वाले चरण के मृदुल आघात से इसमें पुष्प आता है पहली पहली बार, और ऐसी जो सुंदरियां होती थी उनके कर्ण पर, उनके कानों पर ये एक आभूषण के रूप में पहना जाता था, वो उसको उससे आभूषण पहनकर बना करके कान में पहनती थी और उनके चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को सौगुना बढ़ा देता था। उनके जो बाल होते थे उनके सौंदर्य को भी ये सौगुना अधिक बढ़ा देता था। यह अशोक का फूल यानी बाल को सजाने के लिए, केश की सज्जा के लिए और अपने कान में आभूषण के रूप में धारण करने के लिए वे अशोक के पुष्प का प्रयोग करती थी। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। तो महादेव यानी
शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करता था, जब चूंकि कामदेव ने पुष्प बाण के रूप में इसको अपने तर्कस में स्थान दिया था, तो शिव जी के हृदय में इसने क्षोभ उत्पन्न किया। और ठीक इसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मन में, उनके चित्त में अशोक के पुष्प को देख करके सीता जी का भ्रम उत्पन्न होता था। मनोजन्मा यानी मन से जन्म लेने वाले कामदेवता के एक इशारे पर यह कंधों पर से ही कूद उठता था, उनके इशारे पर लगातार कार्य करने को तैयार रहता था। अशोक जिस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अद्भुत करके खप से निकल जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में अशोक का प्रवेश किसी कुशल अभिनेता के समान हुआ, जो बड़ी ही तेजी से रंगमंच पर आता है और अपनी भूमिका निभा करके सबको, दर्शकों को, देखने वाले दर्शकों को अद्भुत करके, प्रभावित करके फिर झट से उसके बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोगों ने अशोक के फूल निबंध का इतना अंश पढ़ा, इसको आप लोग ध्यान से सुन करके समझ लीजिएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल करके पाठ को पढ़िएगा जितना अंश आपको पढ़ा दिया गया है, और इस व्याख्या को सुन करके समझिएगा। अगली कक्षा में इसके आगे का जो आगे के जो अवतरण है निबंध से संबंधित, वह आपको पढ़ाए जाएंगे।